शिव के माथे पर विराजमान, श्री राम के नाम में शामिल, चंद्रगुप्त मौर्य और शिवाजी की प्रेरणा, भारतवासियों के चंदा मामा। इसरो का चंद्रयान 3 जब कामयाबी के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा तो करोड़ों भारतवासियों ने रिश्ते की लाज रखने के लिए चांद का धन्यवाद अदा किया। जी हां, चांद पर झंडा फहराने की हसरत भले ही पूरी दुनिया ने पाल रखी हो, मगर रिश्तेदारी तो हम इंडिया वालों की ही है। हम ही तो हैं जो चंदा को चंदा मामा कहते हैं। वो हम ही हैं जो चांद को देखकर करवा चौथ का व्रत खोलते हैं और तीज पर चांद को अर्घ भी हम हिंदुस्तानी ही देते हैं। दरअसल देवाधिदेव महादेव से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक चंद्रमा से जुड़ी दर्जनों कहानियां हमारे वेदों पुराणों और इतिहास की किताबों में मिल जाती हैं। शिव के मस्तक पर चंद्रमा। भगवान शिव का एक नाम चंद्रचूड़ भी है, यानी जिसके माथे पर चंद्रमा आश्रय लेता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चांद को भोलेनाथ के माथे पर शरण लेने की जरूरत क्यों आ पड़ी। शिव पुराण के मुताबिक चंद्रमा को बर्बाद करने वाली बीमारी का श्राप दिया गया था, क्योंकि वो अपनी 27 पत्नियों यानी 27 नक्षत्रों में से सिर्फ एक को पसंद करते थे। शिव पुराण की ही एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ भागने का प्रयास किया था। दोनों ही कथाओं में चंद्र गायब होने लगा। देवताओं ने चंद्रदेव को भोलेनाथ की आराधना करने को कहा। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने चंद्रमा को उस जगह पर दर्शन दिए जिसे हम आजकल सोमनाथ के नाम से जानते हैं। समय के साथ चंद्रमा को ही सोम के नाम से पहचाना जाने लगा, क्योंकि वह बार बार जीवित होता है और हम सभी को याद दिलाता है कि जो नष्ट हो जाता है वो अंततः बढ़ता है, जो टूट जाता है वो अंततः पुनर्जीवित हो जाता है, और जो ढह जाता है वो अंततः खड़ा हो जाता है। फिर चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो लोकतंत्र हो या फिर सिविल सोसाइटी। श्री राम के चंदा मामा। हिंदू कथाओं के अनुसार भारत में हमेशा राजाओं की दो पंक्तियां थीं, एक जो सूर्य से आए सूर्यवंशी और दूसरे जो चंद्रमा से आए सोमवंशी। रामायण सूर्यवंश के राजाओं की कहानी है, जबकि महाभारत चंद्रवंश के राजाओं की कथा है। भारत के अधिकांश राजा अपनी वंशावली किसी न किसी से जोड़ते हैं। दक्खन के यादव राजाओं का वंश चंद्र देवता से माना जाता है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर अचरज में रहते हैं कि सूर्य वंश से संबंध रखने वाले भगवान श्री राम को रामचंद्र क्यों कहा जाता है, उनके नाम में चंद्रमा का जिक्र आखिर क्यों है। इसके पीछे की लोकप्रिय कहानी यह है कि भगवान राम चंद्रमा से इतना प्यार करते थे कि उन्हें तब तक नींद नहीं आती थी जब तक उनकी माँ उन्हें बिस्तर के बगल में रखे पानी के बर्तन में चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं दिखाती थी। उन्होंने चंद्रमा को अपनी माँ के भाई के रूप में देखा। यही वजह है कि भगवान राम की तरह हम आज भी चंद्रमा को चंदा मामा कहकर पुकारते हैं। मौर्य वंश और चंद्रमा। चंद्रमा का राजसत्ता से भी बहुत पुराना संबंध है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त का ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि जैन कथाओं के अनुसार उनकी माँ चंद्रमा का पानी पीने की इच्छा रखती थी। आचार्य चाणक्य ने उन्हें पानी इस तरह से डाल कर दिया कि वो चांद की रोशनी से प्रकाशित हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा। किंवदंतियों के अनुसार 17वीं शताब्दी में मुगलों को चुनौती देकर मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने माथे पर चंद्रमा का निशान लगाया था। इसे चंद्रकोर यानी अर्धचंद्र कहा जाता है, जिसका मकसद लोगों को स्वतंत्रता अर्थात स्वराज्य के विचार को कभी न छोड़ने के लिए प्रेरित करना था। सभी को यह याद दिलाना था कि अमावस्या की अंधेरी रात के बाद नया चंद्रमा दिखाई देता है और फिर पूर्णिमा आती है। महाराष्ट्र के बहादुर योद्धा पुरुषों और महिलाओं ने तब से पारंपरिक बिंदी की जगह अपने राजा के चंद्रकोर को चुना। बहुत सारे लोगों के लिए अर्धचंद्र इस्लाम का प्रतीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान और तुर्की के झंडों पर दिखाई देता है। वास्तव में ये ऑटोमन साम्राज्य का प्रतीक है, जिसने पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के अधिकांश हिस्से को कंट्रोल किया था। चांद की ये कहानियां और मान्यताएं आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।